अच्छा, व्हाट नॉर्मली हैपेंस के जब डायरेक्टर्स ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व इन कॉन्वर्सेशन विद द एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी, तो हम उनसे कुछ डील्स करते हैं, कैश कंसिडरेशन देने की, शेयर एक्सचेंज करने की, बॉन्ड्स देने की। कभी कभी सवाल आपको ये बताएगा कि सब्सिडरी लॉसेस में थी या फाइनेंशियल ट्रबल्स में थी, या उस सब्सिडरी को इमरजेंसी में टैक्स बचाने के चक्कर में शेयर होल्डर्स को बेचने थे अपने शेयर्स। तो ऐसे केस में एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, अराइज हो सकती है कि जो हमने कंसिडरेशन पे की है और जो सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, व्हाट यूजुअली हैपेंस इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो दैट इज रेफर्ड एज गुडविल। लेकिन अगर हम उनको अंडर पे करते हैं, दो सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ज्यादा है लेकिन हमने जो कंसिडरेशन दी है वो कम है, बिकॉज उन्होंने इमरजेंसी में बेचा है, टैक्स सेविंग के लिए बेचा है, सब्सिडरी सब्सटेंशियल लॉसेस में चल रही थी, उनसे संभल के नहीं दे रहा था, तो निकाल के जान छुड़ाई। ऐसे केस में गुडविल तो नहीं होगी। जिसको समझने के लिए कहा जाता है नेगेटिव गुडविल, लेकिन इसको स्टैंडर्ड नेगेटिव गुडविल का नाम नहीं देता, नाम देता है बार्गेन परचेज का। गुडविल तब आती है जब डिफरेंस डेबिट पे बैठे तो वो एसेट बन जाता है। बार्गेन परचेज तब आएगी जब डिफरेंस क्रेडिट पे बैठ जाए, तो हम लायबिलिटी तो नहीं बना सकते, बल्कि दिस इज ट्रीटेड एज गेन। और इसको हम सीधा कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट और लॉस के अंदर। अच्छा, अब हम सिंपल कंसोलिडेशन के ऊपर आते हैं, मजीद सवाल करते हैं, क्योंकि हमने सस्ते में गाड़ ली चीज। सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 200 मिलियन है, आपने 180 मिलियन में खरीद लिया उसको, क्रेडिट हो जाएगा 20 मिलियन से। जी हाँ, इनकम बना देंगे, लेकिन वो किस में बनाएंगे? कंसोलिडेटेड में, इंडिविजुअल में नहीं बनेगा। जिस तरह गुडविल भी इंडिविजुअल में नहीं डेबिट होती ना, इस तरीके से बार्गेन परचेज भी इंडिविजुअल में नहीं क्रेडिट होगी, ये प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेटेड में जाएगा। ओके, क्वेश्चन मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, किट का ही है। ओके, ऑन 1 जून 2080 प्रीमियर अक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सैनफर्ड। द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ टू एलिमेंट्स, नंबर वन अ शेयर एक्सचेंज ऑफ टू ऑफ थ्री शेयर्स इन प्रीमियर फॉर एवरी 5 शेयर्स अक्वायर्ड इन सैनफर्ड। उसके हर 5 शेयर्स के पीछे हमने अपना अपने 3 शेयर्स दिए हैं। अच्छा, सैनफर्ड के शेयर्स हैं 5 मिलियन, हमने खरीदे उसके 80% 4 मिलियन, 4 को डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितने बनेंगे? 24। तो उसके 4 मिलियन शेयर्स खरीदने के पीछे हमने अपने 2.4 मिलियन शेयर्स दिए हैं। इसको रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा? एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, पेरेंट के शेयर्स पे, एंड $800,000 कैश। द शेयर इशू हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय प्रीमियर। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स इन प्रीमियर हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 5। बिलो आर द समराइज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ एंटिटीज। नॉन करंट एसेट्स, देन ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कितनी दिख रही है? 1.8 मिलियन, 18 लाख की। इसमें कैश पेड फॉर सब्सिडरी कितना है? बाकी 1 मिलियन किसका होगा? किसी और कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हुए हैं, बिकॉज आपने कहा कि शेयर एक्सचेंज तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ 8 लाख दिखने चाहिए थे। करते हैं, इसने नहीं किया हुआ, क्योंकि हम अभी उसकी बैलेंस शीट देख रहे हैं जो अनएडजस्टेड और अनकरेक्टेड है। अगर आपने करेक्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दिया, फिर तो मसला बात समझ में आती है, लेकिन जब आपने बताया कि मैंने सिर्फ कैश कंसिडरेशन रिकॉर्ड की है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में तो 8 लाख दिखने चाहिए थे, ये 18 लाख कहां से आए? यानी 1 मिलियन के शेयर्स आपने किसी और के भी खरीदे हुए हैं। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बैंक, $1 शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व्स,
एक इसने बताया है 30th September 2009 के, हमने इसको कितने साल बाद खरीदा है? नाउ लेट्स काउंट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने हमने खरीदा कब है? 1st June 2000 पे। यू नो दिस W9 और X0 साल का फर्क है। तो 30th September आज से एक साल पहले रिजर्व्स कितने थे? अच्छा, रिटेन अर्निंग्स हमारी 12,300 है और उसकी 4,500 है, लेकिन ये उसकी ईयर एंड पे है। इसमें से हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन उससे पुरानी जो रिटेन अर्निंग्स है वो हराम है, हम नहीं उठाएंगे। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज है सिर्फ। नोट नंबर वन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सैनफर्ड्स नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स विथ द एक्सेप्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। दिस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ $1.2 million बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। यानी नेट एसेट एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू गिरी हुई है। क्या इंडिविजुअल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मैंडेटरी है? नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो अपवर्ड दिखाऊंगा, डाउनवर्ड दिखाऊंगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर इंपेयरमेंट होती, रिकवरेबल अमाउंट गिरा हुआ होता तो उसको इंडिविजुअल में भी दिखाना था। खैर, इसकी वैल्यू गिरी हुई है जो कि उसने इंडिविजुअल में नहीं दिखाई होगी। एंड हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सैनफर्ड हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब उसने उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू किया ही नहीं है तो डेप्रिशिएट भी फुल अमाउंट पे किया होगा। आप कहेंगे कि यानी 1.2 मिलियन को आप गिराओ और उसकी डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स कर दो। इजी, आगे चलते हैं। प्रीमियर, यानी पेरेंट हैड $2 million एट कॉस्ट टू प्रीमियर। एट कॉस्ट टू प्रीमियर का मकसद एट प्राइस टू सैनफर्ड। बेचने वाले के लिए जो प्राइस होती है, खरीदने वाले के लिए वो कॉस्ट होती है। Of inventory that had been supplied in the post-acquisition period by Sanford at 30th September X0, Sanford had markup, so made a markup on cost of 25% on these sales. अच्छा, ये बात समझिएगा कि अगर पहले 8 महीने में हम आपस में कोई ट्रेडिंग करते तो वो जायज थी, उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। लेकिन सब्सिडरी बनने के बाद अगर कोई भी इंट्रा ग्रुप सेल्स एंड परचेजेस हुई और यूआरपी हुआ, उसको हम बोलेंगे आप निकलो यहां से, लेकिन उसे पुराना वाला स्टॉक होगा उसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये 2 मिलियन की इंट्रा ग्रुप सेल एंड परचेज है या अनसोल्ड इन्वेंटरी है? अनसोल्ड है, बिकॉज ग्रामर्स की क्या कह रही है, प्रीमियर हैड $2 million ऑफ इन्वेंटरी, यानी इसके पास बाकी 2 मिलियन की इन्वेंटरी बची हुई है, बेची तो पता नहीं कितनी हो। इसमें मार्कअप कितना है? 25%। क्या 2 मिलियन पे 25% लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, बिकॉज 2 मिलियन इज सेलिंग प्राइस फॉर द सेलर। तो उस पर यूआरपी कितना होगा? 4 लाख। इज इट 25 / 125? ठीक है। नोट नंबर 3, प्रीमियर। अच्छा देखो, ऊपर वाले में ना इसने इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस का जिक्र नहीं छेड़ा है, तो आप होशियारी नहीं दिखाना। आप सिर्फ यूआरपी को इधर उधर करके बोला चलो आगे, ये नहीं बोलना कि उसने पैसे भी नहीं दिए होंगे, उसका रिसीवेबल होगा, उसका पेएबल होगा। जब वो नहीं बात कर रहा तो आप भी टाइम पास मत करना। नोट नंबर 3 में बात कर रहा है, प्रीमियर हैड अ ट्रेड पेएबल बैलेंस ओइंग टू सैनफर्ड ऑफ $350,000 एज एट 30th September 2000। प्रीमियर के पास पेएबल है 3,50,000 का। दिस डिड नॉट एग्री विद द करेस्पॉन्डिंग receivable in Sanford's books due to $130,000 payment made to Sanford which Sanford has not yet recorded. फर्क की वजह कैश इन ट्रांसिट जो पेरेंट प्रीमियर निकाल चुका है, बेच चुका है,
सॉरी इनफैक्ट रेमिट कर चुका है लेकिन सब्सिडरी को अभी मिली नहीं है, तो इसने जब पेमेंट निकाली होगी डेबिट कर दिया होगा पेएबल, क्रेडिट कर दिया होगा कैश, और पेएबल कितने पे आ गया 350 पे, जबकि उसका रिसीवेबल कितने पे होगा 480 पे। क्या करें, ट्रांजेक्शन को गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हम उसको धक्का देके पेरेंट को बोलेंगे तुम, सॉरी सब्सिडरी को बोलेंगे कि फॉरवर्ड कर लो उस ट्रांजेक्शन को। जब सब्सिडरी को रिसीव करवा देंगे ये पैसे तो वो डेबिट करेगा कैश, क्रेडिट कर देगा रिसीवेबल बाय 130। अब उसका रिसीवेबल भी 350 पे आ जाएगा, उसका पेएबल तो है 350 पे, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। चौथा, प्रीमियर्स इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विच एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वर क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम FET OCI। The investments have increased in value by 300,000 during the year. The other equity reserve relates to these investments and is based on their value at 30th September 2009. There were no acquisitions or disposals of any of these investments during the year ended 30th September 2000. अच्छा, जब हमने बात की कि ऊपर 18 लाख कैसे दिख रहे हैं, इसमें से 8 लाख तो वो है जो सब्सिडी को खरीदने के लिए कैश दिया है, बाकी 1 मिलियन का क्या है, उसके पास किसी और कंपनी के शेयर्स हैं जिसको इसने डेजिग्नेट किया हुआ है एट FET OCI, यानी वो इनको रिवैल्यू करता रहता है और गेन्स एंड लॉसेस कहां दिखाता रहता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनना चाहिए था इसने अदर रिजर्व के नाम से बनाया हुआ है, जिसमें 5 लाख का गेन पहले से ही पड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसने इस साल इसको रिवैल्यू किया है, क्या प्रीमियर ने इस इन्वेस्टमेंट को इस साल रिवैल्यू किया है? लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एट 30th September 2009, यानी ये जो गेन लिखा हुआ है ऊपर वो 20W9 तक है, ऊपर भी लिखा हुआ है अदर रिजर्व्स के सामने। अच्छा, इस साल मजीद 3 लाख का इजाफा हुआ है जो कि दिखाया हुआ नहीं है, हम सिर्फ ये 3 लाख का गेन मजीद दिखाएंगे, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रेडिट करेंगे इक्विटी रिजर्व। प्रीमियर्स पॉलिसी इज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज डीम्ड टू बी $3.5 million। हाउ मच इज फेयर वैल्यू ऑफ NCI? 3.5 मिलियन। कंसोलिडेटेड गुडविल वॉज इम्पेयर्ड बाय $1.5 million एट 30th September 2000। इजी, कितने मार्क्स का सवाल है? हलवा उठा लेते हैं, फॉलो कीजिएगा। याद रखो कंसोलिडेशन जब भी हम करें ना, डबल एंट्री दिमाग में चलनी चाहिए। जी हाँ, पेरेंट केस, हाँ, नथिंग टू डू विद NCI। हाँ राइट, अब आपकी बात सही है, वर्किंग टू में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। चले पहले हम रखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सैनफर्ड एट एक्विजिशन एट ईयर एंड एंड पोस्ट। ट्राई कर ले प्लीज। अच्छा, नाउ नोट दिस, दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम किट हैज बीन ऑल्टर्ड। बेसिकली ये FR का सवाल नहीं है, ये F7 का सवाल है पुरानी स्कीम का, और पुरानी स्कीम में इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों पूछे गए थे, तो उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बताई थी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पूछी थी। इस किट में लिखते हुए इसने एक प्रॉब्लम कर दी है कि इसने प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया ही नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अक्सर ये जब सवाल करते थे बोलते सर ये कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में किया हुआ है। नोट करवा देता हूं कि सैनफर्ड का प्रॉफिट फॉर द ईयर
is 3.9 million. ये आपने सवाल में नोट करना, ये गलती क्वेश्चन की है। हम स्टार्ट करते हैं उसको। पहला नेट एसेट्स में हम रख रहे हैं शेयर कैपिटल, सैनफर्ड का ईयर एंड पे शेयर कैपिटल कितना है, 5 मिलियन, और डेट ऑफ एक्विजिशन भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इश्यू नहीं कर सकती। उसके बाद अदर इक्विटी रिजर्व्स हैं, लेकिन सब्सिडरी के खाली है मेरा ख्याल है। हम सीधा आते हैं रिटेन अर्निंग्स पे। ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग्स कितनी है, 4500। और हमने सब्सिडरी को कितना अरसा पहले खरीदा है, 4 महीने पहले। इसके अंदर ये 3900 का प्रॉफिट तो पूरा शामिल होगा क्योंकि ईयर एंड है। हम 3900 को डिवाइड करें 12 से तो मंथली प्रॉफिट कितना होगा, 325, 325। इसमें से बाद वाले 4 महीने तो हम ले सकते हैं, लेकिन पहले वाले 8 महीने हम नहीं ले सकते। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से 1300, इसमें से 1300 हम कर देते हैं माइनस, क्योंकि हम आज से 4 महीने पीछे जाना चाह रहे हैं, तो इसमें से 4 महीने का प्रॉफिट हमने लेस कर दिया, 3200। दूसरा तरीका सीख लेते हैं, 4500 में से 3900 उड़ा दो, 4500 में से 3900 माइनस कर दो, 1600। ये 600 आज से एक साल पहले 30th सितंबर 2009 का प्रॉफिट है, सॉरी रिटेनिंग्स है। हमारे आते आते 8 महीने और गुजर गए, जिस पूरे साल में 3900 का प्रॉफिट हुआ है, तो पहले 8 महीने में कितना हुआ होगा, 2600, 3900 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, वो 2600 में प्लस कर दो जो पहले थे। तो जब हम आए तो 3200 तक तो वो कंपनी पहुंच चुकी थी, और अभी कंपनी पहुंच चुकी है 4500 पे, तो हमारे आने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, 1300 बता रहे थे, क्योंकि हम यहां रुकना चाह रहे थे। दिस इज 1st June एंड दिस इज 30th September। 4 महीने में, क्योंकि हम भी शरीक है, हम भी खाएंगे फिर, लेकिन उससे पहले 8 महीने वाले में हम नहीं खा सकते, राइट? तो हम आज से पहले 12 महीने पीछे गए, उसमें 8 महीने प्लस कर दिया, ये वो अरसा है जिसमें हम नहीं थे। तो तब तक सब्सिडरी 3200 तक तो पहुंच चुकी थी, और हमारे आने के बाद क्यूमुलेटिव पोजीशन 4500 की है, तो हमारे आने के बाद का फॉर द 4 मंथ प्रॉफिट 1300 का है। अच्छा, उसके अलावा देयर वाज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, प्रॉपर्टी सीन यह था कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है, कितने से, 1.2, और उसने मानी नहीं, उसने इनकॉर्पोरेट की ही नहीं, ना डेट ऑफ एक्विजिशन पे माना, ना ईयर एंड पे माना, तो दोनों पे रखेंगे तो पोस्ट एक्विजिशन में कितना आएगा, 0। लेकिन हमने फिर प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट भी पूरा कर लिया होगा, इसकी डेप्रेशन को हमने करना है रिवर्स, यस, 1200 डिवाइड बाय 8 साल, ये तो पूरे साल की होगी, हम इसमें से 4 महीने की डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे, कितना, 50 ओनली, ये 50 की डेप्रेशन को मैंने कर दिया प्लस, राइट हो गया। अच्छा, फिर नोट नंबर 1 में इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, कोई नया इंटेंजिबल एसेट या कुछ नहीं। इसमें यूआरपी किसने कमाया है,
इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कमाने वाला कौन है, सेलर कौन है इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के अंदर? सब्सिडरी। और सब्सिडरी का यूआरपी कितना है? 400 बताया था आपने मुझे, जहां तक मुझे याद आता है 4 लाख। हाँ, अगर आप उसको यहां एडजस्ट कर लें तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मैंने यह दिया सब्सिडरीज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस? 2 मिलियन है उसके पास, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, 400। ये 400 का यूआरपी मैंने माइनस कर दिया। अगर आप चाहते तो 400 का 80% 320 पेरेंट को जीआरई में देते और इसका 20% 80 एनसीआई को अलग से देते और इन्वेंटरी को क्रेडिट करते तो भी डूएबल है। लेकिन अगर आप वर्किंग टू में कर लोगे तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। उसके अलावा लास्ट नोट में बताया गुडविल भी इंपेयर हुई है। कितने से इंपेयर हुई है? इसको भी मैं अगर यहां से उड़ा दूं तो एनसीआई और पेरेंट के दरमियान हिसाब किताब ऑटोमेटिक हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। बाकी इंट्रा ग्रुप बैलेंस हैड नथिंग टू डू विथ वर्किंग टू। अच्छा, लेट्स कैलकुलेट गुडविल नाउ। कितना है? 7000। माइनस में आ गया ना सर। वैसे आप 1300 का अलग देते, 50 का अलग देते, 400 का अलग देते, 1500 का अलग देते, नेट इंपैक्ट तो घुमा पर आके यही आ जाता। यहां आप उठा के 550 का परसेंटेज 80-20 करके जीआरई और एनसीआई को देके जान छुड़ा देना। गुडविल हम मिलियंस में करें, 000 में करें, 000 ना। ओके, सो वील पुट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमने एक कंसिडरेशन दी है कैश और दूसरी दी है शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज का सीन यू बना है कि उसके 5000 शेयर्स में से 80% शेयर्स हमने खरीदे हैं जिसको दिया है 3-4 every 5 और हमारे एक शेयर की फेयर वैल्यू 5 है तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा 12000। डू रिमेंबर दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, यानी सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ेगा 2400 से। शेयर कैपिटल, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे थे यहां तक, और 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2400 से बढ़ेगा शेयर प्रीमियम। हाँ, क्योंकि $1 इज पार एंड $4 इज प्रीमियम 5 में से, तो बेयर इन माइंड। एंड यही अक्सर आपके डिफरेंस की वजह बनेगी जब आपके एग्जाम में आ जाए कि शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो मेरी तरफ से लिख लो कि आपके सवाल को बैलेंस नहीं होगा। फिर आप आखिर में देखना फर्क की वजह ये 12000 ही होगी। एंड दिस इज वेरी कॉमन एरिया। एक्सेल पे होगा तो आपकी जिंदगी वैसे भी सुकून में होगी, कोई टेंशन नहीं है, आप जाके वहां पे प्लस करके आ जाना, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं। दूसरा हमने रखा है कैश कंसिडरेशन जो कि 800। फिर हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, डायरेक्टली बता दिया हैज बीन इज डीम्ड टू बी 3.5 मिलियन। माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 7000। हाउ मच इज गुडविल एट एक्विजिशन?
This is goodwill at acquisition, and this has been impaired by $1.5 million. बाकी गुडविल रहेगी 7800. यूआरपी भी देखा जाए तो हम एडजस्ट तो कर चुके हैं, बाकी रह गया इंट्रा ग्रुप बैलेंस, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं. इंट्रा ग्रुप बैलेंस में देयर इज कैश इन ट्रांजिट, जिसको हम क्या कर रहे हैं फॉरवर्ड. कितना प्रीमियर भेज चुका है पैसा, 1,30,000. जिसको हम डेबिट कर देंगे कैश इन बैंक बाय सब्सिडरी, एंड क्रेडिट कर देंगे ट्रेड सब्सिडरी के. इस केस में उल्टा है, पैसे भेजने वाला पेरेंट है. अगर रिवर्स करते, हाँ इनफैक्ट यू आर राइट, हाँ रिवर्स है, यू आर राइट. तो पेरेंट के पास रिवर्स कर देते, हम डेबिट कर देते कैश वापस एंड क्रेडिट कर देते पेएबल. यहां जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सब्सिडरी की तरफ रिसीव करवा देंगे पैसे और रिसीवेबल को कम कर देंगे. बैंक कितने से डेबिट हुआ, ये मेरा फॉर्मूला याद रखिएगा. अपनी प्रैक्टिस थ्रू आउट सेम डिजिट्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में अगर आपने कहीं मिलियन लिया कहीं फुल फिगर लिया तो आखिर में जब आप उसको टोटलिंग कर रहे होंगे ना, आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे. अच्छा ये हो गया. उसके बाद सिंस वी आर टेली नाउ, उसका पेएबल कितना था 350. अब इसका रिसीवेबल भी 350 बन गया होगा. एलिमिनेट करते हैं डेबिट पेएबल बाय 350, क्रेडिट रिसीवेबल बाय 350. ना ना ना, मतलब अगर आप डबल एंट्री पास नहीं करते तो कोई टेंशन नहीं है. बस बेयर इन माइंड कि जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो वहां से आप माइनस कर दो, बाकी यहां दिखाने की जरूरत नहीं है. अच्छा अब हम आते हैं कंसोलिडेशन की वर्किंग्स पे. लेट्स से हम कैलकुलेट करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की पैदाइश किस वैल्यू पे होती है, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, जिसको हमने रखा था 3.5 पे, या क्या 3.5. इसके बाद हम रखेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स 110 माइनस में, और यूआरपी कमाया था सब्सिडरी ने वो गुडविल की इंपेयर हुई थी, इंपेयरमेंट हो गई. तो अगर हम इनको अलग अलग करते तो भी अल्टीमेटली 110 का ही नेट अमाउंट आता. ये बन गया बाकी 3390. दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं जीआरई. ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स पेरेंट की कितनी है, 12,300. इसमें देंगे सब्सिडरीज शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सैनफर्ड 550 का 80%, 440 माइनस में. इसमें यूआरपी हो गया, गुडविल इंपेयरमेंट हो गई, एक्सेस डिप्रेशन हो गया,
बाकी क्या रह गया? वो जो FETOCI है वो तो वहां जाएगा, कोई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं है, कोई डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं दी, यूआरपी सब्सिडरी ने कमाया था तो वो हो गया एडजस्ट, आई बिलीव दैट्स इट। कितनी आ रही है रिटेनिंग्स? साठ, 11,860, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स है, प्रीमियर के कितने हैं ऑलरेडी? 500। अदर इक्विटी रिजर्व्स और FETOCI पे गेन हुआ है मजीद 300 का, सब्सिडरी की तो है ही नहीं, तो क्या 800 रुपये, मुनासिब बात। अच्छा, आप नोट्स को एक नजर देख लीजिएगा। नोट नंबर 1 में ये डाउनवर्ड रिवेरिएशन थी एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रेशन वाला पार्ट था, वो हम कर चुके हैं। नोट नंबर 2 में इट वॉज सब्सिडरीज अनरियलाइज प्रॉफिट, जिसमें हमने 25% मार्कअप लगा के उसको भी ठीक कर लिया। अब इन्वेंट्री से माइनस करना, इस बात को याद रखेंगे। नोट नंबर 3 में इट वॉज कैश इन ट्रांजिट, तो कैश इन ट्रांजिट को हमने फॉरवर्ड किया जी। तीन सौ और, हाँ यहाँ पे 300 और ऐड कर दे आप, हाँ बट दैट वुड बी रॉन्ग फॉर प्रेजेंटेशन। IFRS 9 में हमें समझाया हुआ है कि अगर FETPL होता तो दिस वॉज टोटली राइट, लेकिन सिंस इट्स FETOCI, अब एग्जामिनर देखो इतना भी नोटिस करेगा कि क्या और उसको इतना आता है कि ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अलग से जाता है, बख्शने को तो वो बख्श दे लेकिन आधा मार्क भी चला जाएगा। नेट इंपैक्ट यू आर राइट, नेट इंपैक्ट सेम आएगा जब आप बैलेंस करने बैठोगे, आपका सेम होगा क्योंकि वो भी इक्विटी ये भी इक्विटी है। ऐसे तो NCI में डाल देते फिर वो भी इक्विटी है, ऐसे तो शेयर कैपिटल में डाल देते फिर वो भी इक्विटी है, शेयर प्रीमियम में डाल देते फिर वो भी इक्विटी है। लेकिन एग्जामिनर जो डीप टेस्टिंग करता है उससे ये देखता है कि क्या स्टूडेंट को इतनी गहराइयां पता है। तो हमें तो अच्छे तरीके से पता है कि FETOCI अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ही जाते हैं, चाहे उसके गेन्स हो या लॉसेस हो, तो हम उसको अगर प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो विल बी गेनिंग द 100% मार्क्स, नॉट इवन 99.9। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन फिर 550 में से आपको GRE अलग करना पड़ता, उसके लिए सेफ क्या था? क्योंकि अगर यहां मैं दिखाता 300 तो ये 250 का नुकसान दिख जाता, वो अल्टीमेटली मेरी GRE में चला जाता, मुझे वहां भेजना नहीं है। तो आप एक काम कर सकते थे, इस 300 का 80% आप यहां रख देते और 300 का 20% आप NCI को दे देते, क्योंकि इसको GRE में भेजना ही नहीं है। मुनासिब बात, चले स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रीमियर ग्रुप एज एट 30 सितंबर, XX0 हाँ जी, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, पहला आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE, इसमें हम रखेंगे पेरेंट की प्लस सब्सिडरी की जैसी है,
उसके बाद हमने इसकी एक प्रॉपर्टी को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था, माइनस करेंगे 1200, और उसकी डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया था, प्लस कर देंगे 50। क्योंकि लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक एसेट जो 5 मिलियन पे रिकॉर्डेड है, या लेट्स मेक इट इजी 8 मिलियन पे रिकॉर्डेड है, तो हम जिसको डेप्रिसिएशन भी 8 मिलियन के हिसाब से किया होगा, लेकिन हमने कहा कि भाई ये 8 मिलियन का तो है नहीं, ये तो 6.8 मिलियन का है, तो हमने क्या किया उस 8 मिलियन में से 1200 कम कर दिए, तो एसेट तो डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया, लेकिन उस 1200 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, हाउ वुड हैव यू डेप्रिशिएटेड दैट? अगर आपने माना ही यह है कि एसेट 8 मिलियन का है, तो आपने डेप्रिशिएट भी 8 मिलियन, हाँ, तो एक्सपेंस में आप कर चुके होंगे। जब मैं एक्सपेंस का भी दोनों का तो बिकॉज आपने एसेट को माना ही 8 मिलियन का होगा, तो डेप्रिशिएट भी 1 मिलियन से किया होगा, तो मैं कहूंगा ऐसे कैसे कर रहे हो, ये तो 8 मिलियन का है ही नहीं, ये तो बेचारा 6800 का है, तो आपने 1200 तो माइनस कर दिए लेकिन पूरा नुकसान कवर ना किया, तो जो 1200 पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको भी रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट इन द लिस्ट, एफईडीओसीआई, चले गुडविल लग लेते पहले, बाकी गुडविल कितनी है 7800। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कितने पे है वो 18 में से 800 तो ये वाले थे, बाकी 1 मिलियन पे, और अभी आपने इसको कितने से रिवैल्यू किया है 300 से, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1300। श्योर, आपके पेरेंट प्रीमियर की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स दिख रही है 1800, जिसमें से 800 तो वो है जो किसने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दिए हैं, उसको तो हटा दो क्योंकि वो तो इंट्रा ग्रुप में वैसे ही उड़ जाएंगे, बाकी उसके पास रह गए 1 मिलियन, और उसने नोट नंबर सेकंड लास्ट में बताया था, 4 शायद नोट नंबर था, हाँ, जिसमें उसने बताया था कि ये किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जिसको हमने एफईटी ओसीआई पे डेजिग्नेट किया हुआ है, और इससे पहले हम उसको रिवैल्यू करते आए हैं, और सितंबर 2009 तक वो उस पर जो गेन हुआ था वो दिख चुका है, इस साल वो मजीद 3 लाख से बढ़ा है, गया ना, डबल एंट्री होगी, आप क्रेडिट करेंगे ओसीआई तो डेबिट क्या करेंगे, वैल्यू एसेट की बढ़ी है, अगर ये एफईटीपीएल होता तो डेबिट करते एसेट, क्रेडिट करते प्रॉफिट लॉस, अगर ये एफईटी ओसीआई है तो डेबिट करेंगे एसेट, क्रेडिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डबल एंट्री होगी ना, तो क्रेडिट यहां हुआ है और डेबिट वहां हुआ। टीएनसीए कितना है टोटल नॉन करंट एसेट्स 47, देन वी हैव गॉट करंट एसेट्स 20, पेरेंट की प्लस सब्सिडरी की, एनी एडजस्टमेंट, यूआरपी कमाया था 400 का, ये हमने यहां से माइनस कर दिया, जी बताएं 5400। अच्छा, रिसीवेबल में पेरेंट का रिसीवेबल प्लस सब्सिडरी का रिसीवेबल, फिर हमने रिसीवेबल को 130 से कैश इन ट्रांसिट की वजह से माइनस किया था, और फिर हमने रिसीवेबल को 350 से इंट्रा ग्रुप बैलेंस की वजह से माइनस कर दिया था, $820। नेक्स्ट इज बैंक, पेरेंट का प्लस सब्सिडरी का प्लस कैश इन ट्रांजिट, $3930। बस बस बस, टोटल नहीं करना, बहुत हो गया, दो लाइन छोड़ के आगे चलते हैं।
equity एंड लाइबिलिटीज. पहला आ जाता है शेयर कैपिटल. कितना है शेयर कैपिटल पेरेंट का? 12,000. कुछ ऐड होना है क्या? शेयर एक्सचेंज. शेयर एक्सचेंज कितना था? 2400 का था ना यहां तक. $1 पे इसको क्रेडिट किया 2400, 14,400. नया अकाउंट बनाएंगे शेयर प्रीमियम का, जो कि पहले बना हुआ नहीं है. शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा? 2400 मल्टीप्लाई बाय 4 बोलो 9600. फिर आते हैं अदर इक्विटी रिजर्व, यानी इन्वेस्टमेंट रिजर्व बना लेते हैं. और जीआरई ग्रुप रिटेनिंग्स 11,860. तीनों को प्लस करें. हाँ वो बाद में आएगा. $22,260. दोनों को प्लस करें. 36,660. देन हम रखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. NCIS 3390 लाइबिलिटीज में आई बिलीव सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है. चेक करो. पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस 350 का इंट्रा ग्रुप पेएबल. $21,450. बिस्मिल्लाह. 36,660 से शुरू करना. कौन से वाले? उसका पेएबल पे फर्क ही नहीं आया. वो तो एसेट बढ़ाया एसेट गिराया. हाँ ना, रिसीवेबल हमने माइनस किया ना 130 और कैश में ऐड किया है. वो तो एसेट ही डेबिट हुआ एसेट ही क्रेडिट हुआ. जी तो हमने हमने प्रीमियर के पास वो पेएबल है. प्रीमियर के पास वो पेएबल है. प्रीमियर पैसे भेज चुका है तो हमने बोला चलो ठीक है तुमने सही किया. सब्सिडरी को बोलो एक काम करो आप रिसीव कर लो. अगर मैं रिवर्स करता तो मैं पेरेंट का कैश ऐड बैक करवा के पेएबल क्रेडिट करता कि मानो कि तुमने पैसे भेजे ही नहीं. लेकिन आपने तो रिसीवेबल में एडजस्ट कर लिया. 130 यहां माइनस किया 130 यहां प्लस कर दिया. नहीं तो 130 यहां प्लस होते और यहां से माइनस होते. यहां भी प्लस होते सॉरी 61,500 इन तीनों का टोटल 61,000. या के टोटल इक्विटी सेम है ऊपर इन तीनों का टोटल 14,150. ठीक है. इन दोनों का प्लस 10+ कंसोलिडेशन मतलब हलवा मार्क्स प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस. कितना टाइम लगा हमें करने में? इनफैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे. सिर्फ एक बात इंश्योर करना कंसंट्रेशन. अभी आपको देखो बहुत सारी फिगर्स सिर्फ एक बार आपने सवाल पढ़ा आपको याद होंगी कि एनसीआई की वैल्यू क्या थी, गुडविल की इंपेयरमेंट क्या थी, प्रॉपर्टी वाला रिक्वायरमेंट गिरा कितने से था, उसकी रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन कितने से हुई थी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितने से बढ़ा था. ये आपका दिमाग तब तक याद कर सकता है जब तक वो स्क्रीन ना देख ले एक बार. अगर उसने एक बार नोटिफिकेशन या स्नैप देख लिया ना किसी का स्टोरी देख ली भाई, फिर आपको क्वेश्चन से रिलोकेट करना पड़ेगा कि कितना था वो गेन और भूल भी जाओगे. और क्वेश्चन का बैलेंस ना होना अपने आप में डीमोटिवेशन है.
और वो डीमोटिवेशन इस वजह से नहीं है कि आपको आ रहा नहीं है, सिर्फ इस वजह से होगी कि मैंने एक बार स्क्रीन देख ली थी। तो कहीं भी थोड़ा भी ध्यान आपका इधर उधर गया ना, आउट। आप इसको कंसंट्रेशन के साथ करें, इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के अंदर आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। फिर आप इसको एक्सेल पे भगाओ, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास।